हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या चल रहा रे? यूनिट नंबर 4 थियरी ऑफ इक्वेशंस। देखो 11th का यूनिट नंबर 1 इनइक्वालिटीज 18 वीडियो अपलोड हो गए। यूनिट नंबर 2 मॉड्यूलस 31 वीडियो अपलोड हो गए। लॉगरिथमिक उसके 43 वीडियो अपलोड हो गए। और ये यूनिट नंबर 4 है और थियरी ऑफ इक्वेशंस टाइटल है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। और उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका ये 12वां वीडियो चल रहा है। कौन सा वीडियो चल रहा है? 12वां वीडियो चल रहा है। और JEE मेन के पूरे यूनिट्स हम इस पे लाएंगे और ये प्रोग्राम पूरा 2 साल तक चलता रहेगा। ठीक है ना? ये पूरा 2 साल तक प्रोग्राम चलता रहेगा। माना घर बैठे बैठे आप JEE का बहुत अच्छी तरह से कंसेप्चुअली तैयारी कर सकते हैं। और मैं 2-4 वीडियो डाल के चैप्टर को वाइंड अप नहीं कर रहा हूँ, पेट भर के प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ। कैसे सॉल्व करके देता हूँ? पेट भर के। देखो लास्ट लेक्चर में इसी टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं होती है, जरा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गए तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से होती है। ठीक है, तो देखो भाई सॉल्यूशन पहले क्या करना है रे? इसका बेस होना चाहिए इरेशनल पेयर में। चेक वेदर द बेसेस आर इन इरेशनल पेयर। देखो 5 + √2 √6, 5 - √2 √6। यस, सेम टू सेम है, प्लस माइनस में होगा। नाउ चेक इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है। सबसे पहले इसका प्रोडक्ट चेक करेंगे। a + b a - b, a² - b² सो ये हो गया 25। 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर √6। दिस इज, अरे ये 54 कहाँ से आ गए? ऐसा ही होता है ना। 25 - 24, दिस इज 1। सबसे पहले बेस इरेशनल पेयर में होने चाहिए। बराबर, एक प्लस है तो एक माइनस है तो एक प्लस। दूसरा कंडीशन, दोनों के पावर सेम टू सेम होने चाहिए। अलग अलग है तो कुछ नहीं कर सकते। सो फंडा नंबर 1 क्या बोला? दोनों के बेस इरेशनल पेयर में होना चाहिए। फंडा नंबर 2, पावर सेम टू सेम होना चाहिए। ये 2 कंडीशन यदि सेटिस्फाई कर रहा है सो उसके इरेशनल के पेयर का प्रोडक्ट चेक करना ऑलवेज 1 आते रहता है। ठीक है ना? ये क्या मिला दीदी? दिस इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आ गया। नाउ देखो, प्लस को माइनस में लिख सकते, माइनस को प्लस में लिख सकते, लेकिन मैंने बोला था, क्या बोला था? किसको किस में लिखने की कोशिश करना। अरे बोलो, माइनस को प्लस में लिखने की कोशिश करना। क्योंकि कोई बोला मुझे प्लस को माइनस में लिखना है, लिखो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्योंकि वाई का वैल्यू ये दोनों ही आने वाले हैं, वाई का वैल्यू यही चाहेगा। जो बेस रहता ना वो बेस ही वाई का वैल्यू आने वाला है। ये इरेशनल कॉन्जुगेट है और यही सॉल्यूशन वाई का आने वाला है। पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा क्या? देखा वाई का वैल्यू इरेशनल आया था क्योंकि
कंपेयर करके उसका बेस सेम टू सेम आना चाहिए। सो माइनस लिया क्या और प्लस लिया क्या, फर्क कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ पुटिंग इन गिवन इक्वेशन, 5 + 2√6 रेस टू x² - 3 1 upon 5 + 2√6 raised to x - 3 = 14। सो लेट y = 5 + 2√6 raised to x² - 3। यहाँ मैंने जो y ले लिया इसको लिख के रखता हूँ, ये क्वेश्चन जे डबल ई मेन आई थिंक 1985 में पूछा था, ठीक है। नाउ ये क्या बना रहे फिर, y + 1/y = 14। क्या किया जाए, मल्टीप्लाई बाय वाई। कोई बोला सर मुझे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, बाबू इसका एलसीएम ले लो, वाई आएगा फिर वाई उधर जाएगा, एलसीएम लेंगे दो स्टेप होगा, मल्टीप्लाई करेंगे एक स्टेप में काम बनेगा। आपको डिसाइड करना है दो स्टेप करना है या एक स्टेप करना है। y² + 1 = 14y, अरे इक्वल टू 10 था, अचानक 14 कैसे हो गया। अरे ये 14 पहले प्रॉब्लम का था, वो पेन को क्या हो गया, वो याद हो गया पेन को, बेचारे ने लिख दिया। सो ये बना y² - 10y + 1 = 0। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a = 1, b = -10, c = 1। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, -b + √b² - 4ac/2a, -+10 - 10² 100, 100 - 4, क्योंकि a एंड c का वैल्यू है। सो ये आना चाहिए 10 + √6/2। y का वैल्यू क्या आना चाहिए, एक तो 5 + 2√6 आना चाहिए या 5 - 2√6 आना चाहिए, ये आना ही चाहिए। यदि y का वैल्यू ये दोनों से अलग आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकेगा। सो ये शान्य है, सो ये क्या हो गया, देखो 4 16 सकी 96, सो इट इज 16 जा। सो ये 16 बाहर आके क्या बन गया रे, 4 क्या बन गया, 4। ये नीचे वाला अंदर आता है क्या, चेक करो जरा, ठीक है नाउ। अरे ये 100 कैसे हो गया रे, ये 10 का अंदर में 100 होना चाहिए था, बाहर में नहीं। सो 2 से डिवाइड कर देंगे
तो ये क्या आ गया अरे, 5 + - 2√6। और देखो हमने बोला था y का वैल्यू एक तो प्लस आना चाहिए या माइनस, सेम टू सेम आना चाहिए, क्योंकि अरे क्योंकि उसको हमें सब्स्टिट्यूट करके कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। देखो दो कंडीशन, दो के बजाय हम अभी तीन कंडीशन बता देंगे आपको। पहला कंडीशन, बेस इरेशनल पेयर में होना चाहिए। बोलो मेरे साथ, बेस इरेशनल पेयर में होना चाहिए, बेस इरेशनल पेयर में होना चाहिए, बेस इरेशनल पेयर में होना चाहिए। फंटा नंबर दो, पावर सेम टू सेम होना चाहिए। बोलो पावर सेम टू सेम होना चाहिए, पावर सेम टू सेम होना चाहिए। और y को सब्स्टिट्यूट करके y के वैल्यूज़ बेस जो है वही आने चाहिए। ये तीन फंटे यदि सक्सेस हो गए तो समझने का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है ना, ये y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए थे, y का वैल्यू हमें मिला 5 + - 2√6। अरे हाँ ना, हाँ ना, अब क्या करेंगे? अरे दो केसेस लेंगे, वो दोनों केसेस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। एक बार y का वैल्यू माइनस लेंगे, दूसरी बार y का वैल्यू प्लस लेंगे। सो केस नंबर वन, केस नंबर वन, लेट y इक्वल टू 5 + 2√6। बट y इक्वल टू 5 + 2√6 रेस टू x² - 3। हमने y का वैल्यू ये ले लिया, दिया हुआ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और y के दो वैल्यूज मिले, एक तो प्लस मिला या माइनस मिला। अरे हाँ ना, एक बार आ जा एक बार ये वैल्यू आ जा, दूसरी बार वो वैल्यू आ जा, शेवटी आ जा से। ठीक, पुटिंग y 5 + 2√6 इक्वल टू 5 + 2√6 रेस टू x² - 3। ये दोनों का बेस सेम टू सेम है। क्या है? सेम टू सेम है, इसीलिए पावर को कंपेयरिंग करेंगे। नाउ कंपेयरिंग वी गेट x² - 3 इक्वल टू 1। ये आया x² = -4। चाहे तो ये -3 को बोला उधर जा, 4 हो गया। एंड अकॉर्डिंगली अपने को x के कितने वैल्यूज मिले। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन बोले तो इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। सो पहला केस ले लिया, y इक्वल टू 5 + √2√6, कंपेयर किया, बेस सेम टू सेम है। ठीक है ना, अभी केस नंबर टू। व्हाट इज केस नंबर टू? सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो अभी बेसेस अलग अलग है, बेसेस क्या है? अलग अलग है ना। अपने को मालूम है दो इरेशनल पेयर का प्रोडक्ट वन है, तो एक को दूसरे में, दूसरे को पहले में लिख सकते हैं ना। इसका पावर है वेरिएबल, इसके बेस को नहीं बदल सकते। क्या होगा? नहीं बदल सकते, तो इसको बदला देंगे ना। यस नाउ टू फ्रॉम इक्वेशन वन,
फाइव माइनस टू रूट सिक्स इक्वल टू फाइव प्लस वन अपॉन फाइव प्लस टू रूट सिक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको बोला ऊपर जा फाइव प्लस टू रूट सिक्स रेस टू माइनस वन इक्वल टू देखो भाई बेस सेम टू सेम करा दिए अरे हाँ ना हाँ कंपेयरिंग करने के बाद अपने को क्या मिला एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन सो ये मिला एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टू जब एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टू मिला तो एक्स मिला प्लस और माइनस रूट टू और हमें क्या बोला था सॉल्व करने को बोला था देयरफॉर सॉल्यूशंस ऑफ फाइव प्लस टू रूट सिक्स रेस टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री प्लस फाइव माइनस टू रूट सिक्स रेस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू टेन आर एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस रूट टू कॉमा प्लस और माइनस टू कितने रूट्स आए रे इसको आए चार रूट्स इसके पहले वाले वीडियो में देखा था वहाँ कितने रूट्स आएंगे रे तीन कभी कभी रूट्स आ भी नहीं सकते माना ये जो एक्स के वैल्यूज आए यदि ये इमेजिनरी आए ये रियल है रियल का आंसर इमेजिनरी नहीं हो सकता है ऐसे रूट्स में हम नो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं सो कितने फंटे बोले रे इसमें तीन एक बेस इरेशनल पेयर में होना चाहिए दूसरा पावर सेम टू सेम होना चाहिए तीसरा सब्स्टिट्यूट वाई जो करेंगे वाई का वैल्यू बेस का प्रोडक्ट बेस के वैल्यूज वाई के वैल्यूज आने चाहिए समझ में आया अरे समझ में आया यस ठीक है बहुत अच्छे क्वेश्चंस है जरा बड़े प्यार से सॉल्व करना इसका ऐसा दूसरा प्रॉब्लम लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और जब वीडियो बहुत बड़ा होता है तो देखने में बोर होता है इसीलिए बचे हुए प्रॉब्लम सब नेक्स्ट वीडियो में देखते तब तक के लिए आयुष थैंक्स